बताओ, रेस लग रही कुत्तों रेस लग रही कुत्तों में, सही तो है मेडल जीतने के लिए। हेलो दोस्तों, राधे राधे, कैसे भाई आप लोग, बहुत दिनों बाद फिर से वीडियो बना रहा हूँ। शॉर्ट्स मैंने इस ड्यूरिंग में ना शॉर्ट्स मैंने बहुत वीडियो डाली है और बहुत सारे व्यू आए हैं उन पर, और अब मैंने आज से कुछ और 2-3 दिन का प्लान है, तो वो इसलिए आज से आपको मिलेगी फुल वीडियो। और कहाँ का ट्रिप और क्या प्लान है, मतलब ट्रिप एक इस तरीके का ट्रिप है भाई लोगों कि वहाँ पर मेरा कुछ काम भी हो जाएगा ऑफिशियल, और आप लोगों के लिए थोड़ी जर्नी भी हो जाएगी, आपको थोड़ा घुमाना भी है इधर उधर। तो प्लान क्या है मैं अभी ऑफिस से निकल के बताता हूँ आपको। तो भाई ऑफिस से तो निकल जाए जल्दी, क्योंकि आपको मैंने बताई था सुबह कि जब ऑफिस से निकलूंगा बताऊंगा आज का जो प्लान है। एक्चुअल में क्या है, दिल्ली में लगा हुआ है वर्ल्ड बुक फेयर, बहुत बड़ा बुक फेयर लगता है, इतना बड़ा लगता है मैं आपको दिखाऊंगा भाई साहब। पूरे इंडिया क्या दुनिया से पब्लिशर आते हैं वहाँ पे, और हमारा भी स्टॉल है। तो वहाँ का कुछ प्लान है, 2 दिन का मेरा वहाँ स्टे है, और मैं पूरा बुक फेयर भाई इतना गजब लगता है वो तो दिखाऊंगा ही, प्लस अपना बाकी और भी चीज़ें आपको बताता हूँ। तो हमने ना न्यूगो की बस चलती है आगरा से, इलेक्ट्रिक बसें हैं आगरा से जयपुर, आगरा से दिल्ली, बहुत बढ़िया सर्विस है, VIP बस है। तो newgo.in के नाम से उनकी वेबसाइट है जहाँ से वो बुक होती हैं। तो हमने भी टिकट बुक करी है, अभी शाम की है 4:30 बजे की, और 4:15 बजने वाले हैं, मैं बस पहुँच रहा हूँ वहाँ पर, अभी बस पकड़ूँगा यहाँ से दिल्ली के लिए, और सराय कालेखा पे छोड़ देगी भाई ये। तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में ही बस की वीडियो दिखाता हूँ। मैंने ना भाई डेस्टिनेशन चेंज कर दी, एक जगह से 4:30 बजे मिलती और 5 बजे यहाँ आ जाती है ये वाली बस है न्यूगो की, तो 5 बजे यहाँ आती है। मैं थोड़ा सा लेट हो रहा था तो मैं बीच के डेस्टिनेशन पर आ गया, अब क्या है यहाँ से पकड़ूँगा 5 बजे, मेरे लिए ना 20-25 मिनट एक्स्ट्रा बच गए। अब मैं इतने में यहाँ पे आराम से बैठ के कुछ खाने पीने की चीज़ ले लूँगा। भाई बस आ चुकी है अपनी, बहुत ही लग्जरी बस है, एकदम VIP, पूरी 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 बस जो है AC है और फुली इलेक्ट्रिक, मतलब पूरी बैटरी से चलने वाली है। तो अभी हम यहाँ से 5 बजे चलेंगे और रात को 9:30 के आसपास दिल्ली छोड़ देगी, 5 से 9:30 के आसपास दिल्ली छोड़ देगी, इतनी अच्छी स्पीड है इसकी और बहुत कम किराया, मतलब केवल 350-400 रुपये किराए में। तो अभी मैं बैग उठाता हूँ और अंदर से भी एक व्यू दिखाऊंगा आपको इसका। सीट नंबर से बैठे, बीस मिनट का ब्रेक है भाई यहाँ पे, क्या है कि कुछ खा पी सकते हैं, बोतल देगी जब ना एक्सप्रेस वे पे ना, और बहुत दूर दूर मतलब टोल पे ही ब्रेक है, वैसे नहीं है कहीं भी रोक दो और वो सब नहीं है, तो दूर दूर ब्रेक है, इस ब्रेक पे 20 मिनट रुकेंगे, उस 20 मिनट में ही कुछ खा पी के फ्री होना पड़ेगा। अच्छी जगह है, तो वो एक हमारी ये बस खड़ी है न्यूगो की, एक ऑलरेडी पहले गया हुई भी खड़ी है ना, अच्छी बसेज हैं ये। 20 मिनट में कोई क्या ही खाएगा, इसलिए हमने ना केवल स्वीट कॉर्न ले लिए,
क्योंकि 20 मिनट में खाना तो नहीं पाएगा भाई, बस वाला ना केवल 20 मिनट के लिए रोक रहा है, तो बस स्वीट कॉर्न खाते हैं तो थोड़ा दिल्ली तक का काम हो जाएगा। नीचे भी नहीं कर गई। भाई रूम में आ गया आपने, मुझे ना बस ने छोड़ा सही 9:15 बजे और बिल्कुल राइट टाइम पे छोड़ा बस ने मुझे। 9:15 बजे का करीब करीब टाइम था उसका और 9:15 बजे ही उसने छोड़ दिया। रूम बहुत अच्छा है, मैं आपको यहाँ से एक व्यू दिखाता हूँ, है ना भाई, मज़ेदार रूम है, फर्स्ट क्लास। और ये रूम हमें पड़ा है करीब 3700 रुपये का पर डे 3700 रुपये के करीब का है। और सराय काले खां पे छोड़ा बस ने हमें, न्यूगो की जो बस है इलेक्ट्रिक वाली, और वहाँ से यहाँ तक आने में 20 रुपये लिए ऑटो रिक्शा वाले ने। तो अभी एग्जैक्ट बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं मैं आपको घड़ी दिखा देता हूँ, एग्जैक्ट 10 बजने वाले हैं। और अभी मैंने खाना ऑर्डर किया है क्योंकि अभी वहाँ पे ना बस वाले ने केवल 20 मिनट के लिए रोकी थी, तो खाना तो हमने खाया नहीं पाए, तो अभी खाना ऑर्डर किया, खाना खा के सीधे सोना है और कल की तैयारी करनी है, तो कल सुबह मिलते हैं भाई। हे गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं भाई आप लोग, सुबह हो गई है तो एक आपको व्यू दिखाता हूँ मैं, ये देखो भाई शीशे पे कितनी होश है, ये मैंने हाथ से थोड़ा सा ऐसे किया हुआ, तो सुबह के बज रहे 9:30 और हम लोग क्या, मैं ही हूँ भाई, तो मैं नहा धो के रेडी हूँ बुक फेयर जाने के लिए। अभी यहाँ से बाहर से ऑटो पकड़ूंगा मैं, जहाँ ठहरा हूँ ये है कृष्णा इन होटल जंगपुरा में, जंगपुरा ये हजरत निजामुद्दीन के पास में ही रेलवे स्टेशन के, निजामुद्दीन वाले के, तो बाहर निकल के ऑटो पकड़ूंगा और सीधे प्रगति मैदान यहाँ से कितनी दूर है ये बाहर जाके आइडिया होगा। बाकी भाई ये देखो नाश्ता मंगाया था अभी, तो नाश्ता कर लिया है, रात को खाना मंगाया था, पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कमरा तो बढ़िया है पर इस होटल का खाना नाश्ता बिल्कुल ही थर्ड क्लास है, बिल्कुल ही थर्ड क्लास। नंबर गेट तो ठीक है पर यार पैसे थोड़े ज़्यादा है यार, अरे इतना थोड़ी घुमा के जाओगे, अच्छा जो ऑटो खड़ा है ना, हाँ मेरा ही ऑटो है, किराए पे चला रहा है और आप ही से वो कर रहा है कंपटीशन, मालिक से देख लो। अरे अच्छा इस पर्दे को नीचे करो, थोड़ा हवा लग रही है यार, है ना। विश्व पुस्तक मेला भाई, बड़ा गेट है, 4 नंबर गेट जो है प्रगति मैदान का, यहाँ से 5 हॉलों में लगा है बुक फेयर, तो अभी गेट पे मुझे यहाँ पर छोड़ा है उसने, और इस गेट से एंट्री होगी क्योंकि 11 बजे से एंट्री है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मैं थोड़ा जल्दी आ गया, मुझे टाइम का पता नहीं था, तो अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद एंट्री होगी, बहुत बड़ा एंट्री पॉइंट है। अंदर तो घुस जाया हमें, मुझे ना व्हाट्सएप पे मंगा के पास दिखाना पड़ा, अब इधर लाइन से हॉल हैं, जैसे ये 5 नंबर हॉल है ऐसे ही आगे तक 5, 4, 3, 2, 1 इधर ही कहीं भारत मंडपम भी हैं, जाइए जहाँ पर भाई G20 का प्रोग्राम हुआ था, तो इधर लाइन से जो हैं हॉल हैं जिनमें स्टॉल लगे हैं, उनमें से किसी एक हॉल में हमारा भी स्टॉल है और 3 नंबर में है हमारा शायद, बोतल ना दिमाग खराब कर रही है, ऐसे पकड़ लेता हूँ, तो 3 नंबर में है हमारा और अच्छा है, बहुत अच्छा भाई, G20 के चक्कर में प्रगति मैदान की प्रगति हो गई है बहुत सारी, है ना। और ये
पार्टिसिपेंट्स लिस्ट है हॉल नंबर 5 की। भाई कितने पब्लिशर हैं एक हॉल में, तो उस अंदाजा लगाओ पांचों हॉलों में कितने पब्लिशर होंगे, है ना। यहीं पर ना भाई ये भारत मंडपम वाली बिल्डिंग है जो आप देख रहे हैं, गोल सी बिल्डिंग बनी है। यहीं पर ना G20 वाला प्रोग्राम हुआ था, यही है भारत मंडपम, बहुत अच्छा बना हुआ है। तो अभी जैसे स्टॉल तो खुली नहीं भाई, थोड़ी सी देर लगेगी। मैं सोच रहा था तब तक ना अब देख के आता हूँ, अगर घुसने देते हैं तो एक बार देख तो लूँ भाई कैसा बना हुआ है, देखना चाहिए आए हैं तो। यहीं पर हुआ था भाई G20 का अपना प्रोग्राम, ये देख रहे हैं बिल्कुल उसके क्लोज आ गया मैं। अब कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे भी करके अंदर घुस जाने दें, तो अभी जाऊँगा ऊपर। अभी भाई पीयूष गोयल जी आ रहे हैं, तो इस चक्कर में थोड़ा अंदर एंट्री बैन है भारत मंडपम, तो मैं नहीं जा पा रहा भाई। अभी बाद में ट्राई करता हूँ कभी, क्योंकि आप देख रहे हो ना ये तैयारी यारी उन्हीं वजह से चल रही है। बाद में ट्राई करता हूँ, अभी तो अपने स्टॉल पे चलना है। भाई हम आ गए अपने स्टॉल पर, ये है अपना स्टॉल ओ सवाल बुक्स, तो काफ़ी बड़ा लगाया हमने ये। अंदर से इंटीरियर में बहुत खर्चा किया है भाई। भाई अभी तो मैं केवल बुक केयर में घूम रहा हूँ, सारे स्टॉल देख रहा हूँ एक तरफ से घूम घूम के, क्योंकि मुझे थोड़ी रिसर्च करनी है, तो अब वो तो बिना घूमे हो नहीं सकती है। तो अभी मैं घूम रहा हूँ केवल, अभी इतनी पब्लिक नहीं है क्योंकि अभी केवल 12:15 बजे हैं, तो जनता भी कम है, आसान है घूमना, और मेरा काम भी पूरा हो जाएगा भाई, पर्पज भी पूरा हो जाएगा ना। कितने शानदार शानदार स्टॉल लगे हैं। भाई दोपहर के बज गए 3, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने ना खाना खा लिया, पीछे फूड कोर्ट है, और मैंने पूरी एक थाली लगवाई और खाना खा लिया, क्योंकि ना बैटरी और एनर्जी दोनों लो हो गए थे। यहाँ भी थोड़ा सा है, फूड कोर्ट लगा हुआ है, बहुत अच्छा बढ़िया। मैं निकल आया हूँ भाई बुक फेयर से, और अब करीब करीब बुक फेयर ख़त्म हो गया। मैं देखो कितनी मज़ेदार लाइट लगी है पेड़ों पे, गजब लग रही। तो बुक फेयर करीब करीब ख़त्म हो गया, और अब लोग ना बच्चे जो अपने साथ के हैं वो केवल पर्दे डाल के ख़त्म कर देंगे एंट्री उधर से थी, और उसके बाद ना वो लोग वहीं पे खुद ही रात को रखवाली करते हैं। अब सुबह फिर आते हैं, तो आप चल रहे हैं सीधे होटल। फाइनली वापस आ गए भाई, मतलब बुरी तरीके से थक गए, बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से, पैरों में हो रहा दर्द। सुबह में जगह 7 बजे, तब से अब तक अब आके बैठा हूँ स्टॉल पर, थोड़ी देर बैठे अलग बात है, सारे हॉल में घूमना अदर्स हॉल में घूमना बहुत होता है भाई। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हो तो करना, और कमेंट जरूर करना भाई। बाकी अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो ज़रूर कर लेना, और आज की वीडियो करते हैं एंड। अभी थोड़ी देर आराम करेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे नीचे जाके, होटल का नहीं खाना भाई, मैंने बताया था कि ये होटल का खाना बहुत बकवास है इसका, तो नीचे जाके कुछ खाएंगे, उसके बाद सीधे सो जाएंगे, कैसी कब नींद आएगी पता नहीं चलेगा। तो बहुत जन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।